देख रहे हैं भारतनी टीवी, मैं हूं आपके साथ गजेंद्र गुर्जर। चोरी नक्कमबाजी एवं लूट की वारदात में सम्मिलित खुयात पारसी गैंग का सदस्य हथियार सहित गिरफ्तार। शुक्रवार को रात्रि गश्त के दौरान श्री महावीर जी कस्बे में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में घूमते हुए पारसी गैंग के पूजा उर्फ गज सिंह पुत्र श्री चीबसिन उर्फ जय सिंह जाति पारसी निवासी हरिया खेड़ी थाना रामगंज मंडी कोटा को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए तथा पुलिस को देखकर छुपने की कोशिश करते हुए रोककर चेक किया तो उसके कब्जे में अवैध 315 बार का एक देसी कट्टा एवं एक 315 का कारतूस मिला, जिसको मौके पर ही जब्त किया जाकर पूजा सिंह के खिलाफ 3/25 आर्म्स एक्ट में थाने पर मुकदमा नंबर 52 धारा 19 उपयुक्त में दर्ज किया गया। मुजरिम से गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में एवं हथियार के लाने के एवं स्रोत के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त की जा रही है। मुजरिम के खिलाफ कई प्रकरण चोरी एवं नक्कनबाजी के दर्ज हैं, अनुसंधान जारी है। पिछली रात करीब 3:30 बजे के करीब दौराने रात्रि गश्त जब हमारा जाब्ता गश्त कर रहा था तो एक व्यक्ति घूमते हुए पुलिस को देख के छुपते हुए जिसको रोक के चेक किया पकड़ा तो ये व्यक्ति पूजा सिंह सन ऑफ चेबिशन जाति पारदी निवासी हीरिया खेड़ी थाना रामगंज मंडी कोटा का रहने वाला है। ये जानकारी में आया और इसको ढंग से चेक किया तो इसके पास एक अवैध 315 बोर का देसी कट्टा और एक 315 का कारतूस मिला। इसका मौके पर ही अवैध कट्टे और कारतूस को जब्त किया गया और वापसी थाने पर इस पर 3/25 आम सेक्ट में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की गई। जानकारी में आया कि ये पारदी ग्रोह का एक जो काफ़ी चोरी और नकबजनी लूट जैसी वारदातों में शामिल ग्रोह है, काफ़ी बदनाम ग्रोह है, उसका एक सदस्य है। संबंधित थाने से इसका आपराधिक रिकॉर्ड लिया गया तो इस आदमी के खिलाफ, इस मुलजिम के खिलाफ चोरी और नकबजनी जैसे करीब 7 मुकदमे दर्ज हैं। नसरुल्लागंज तहसील में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने नसरुल्लागंज के नगर के आईटीआई के प्रिंसिपल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। प्रिंसिपल पर आरोप है कि प्रिंसिपल ने अपने ही ऑफिस में काम करने वाली कंप्यूटर ऑपरेटर से वेतन आहान का चेक देने के लिए रिश्वत की मांग की थी। जानकारी के अनुसार आईटीआई के अध्यक्ष गणेश प्रसाद प्रजापति ने अपने ही ऑफिस में काम करने वाली कंप्यूटर ऑपरेटर किरण से वेतन आहान का चेक देने के मामले में 25,000 की रिश्वत की मांग की गई थी। इसकी शिकायत किरण ने 23 फरवरी को भोपाल लोकायुक्त से की थी। कार्यवाही करते हुए टीम ने आज योजनाबद्ध तरीके से अधीक्षक को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि किरण से ये पैसे वेतन आहान का चेक देने के मामले में लिया जा रहा था। किरण की नियुक्त नवंबर महीने में कंप्यूटर पर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी द्वारा 10,500 रुपए की मासिक वेतन पर की गई थी, जिसमें से हर महीने 2,500 रुपए अध्यक्ष प्रजापति ले लेता था, जिससे परेशान होकर किरण ने इसकी शिकायत भोपाल लोकायुक्त टीम से की और टीम ने आज योजना बनाकर अध्यक्ष प्रजापति को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यातायात की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए ग्वालियर पुलिस प्रशासन द्वारा मासिक यातायात वाहनों का परीक्षण किया गया। सवारी गाड़ी के साथ साथ निजी गाड़ी की नंबर प्लेट पर कार्यवाही की गई। जिन गाड़ियों की नंबर प्लेट को राजनीतिक या प्रशासनिक संबंधी लगाया गया है उनको निकलवाकर सादा नंबर प्लेट लगवाने की जानकारी दी। ट्रैफिक पुलिस अजित बाथम द्वारा बताया गया कि ग्वालियर शहर में यातायात की सुविधाओं को सही रखने के लिए महीने में 2 बार आधुनिक मशीनों द्वारा गाड़ियों में से निकलने वाले धुओं का परीक्षण किया जाएगा, जिससे वायु प्रदूषण का प्रभावित करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा सके और इसके साथ ही गलत तरीके से लगी हुई नंबर प्लेट पर भी कार्रवाई की गई और निकाल कर सही नंबर प्लेट लगवाने का निर्देश दिया गया। जांच के दौरान धुआं देने वाली गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए चालान भी भरने पड़ेंगे। प्रथम महीने के प्रथम शुक्रवार और लास्ट शुक्रवार को होती है। इस बार प्रथम शुक्रवार है मार्च का, वहाँ कहीं कहीं जगह इसमें फूड तो पॉल्यूशन के बाद
एवं तहसील का भी आते हैं और आरटीओ विभाग चारों विभाग में चेकिंग करते हैं। ये गलत आपके निर्देशन। तो अभी तक आपने कितने वाहन चेकिंग किए हैं, आप कितने वाहन चेकिंग करेंगे आज की तारीख में? वाहन चेकिंग संख्या कोई निश्चित नहीं, इतनी चेक करना है। कितने वाहन पकड़े हैं अभी? अभी 8-10 वाहन कभी चेक कर लिए हैं जो पोल्यूशन से निकला है। समस्या कुछ नहीं आती, पोल्यूशन है वो तो पोल्यूशन के अधिकांश ये टेम्पू है इनमें पोल्यूशन जमा है। नंबर प्लेट भी हटाई जा रही है। नंबर प्लेट भी इसका ये लगा हुआ है, इसे स्टिकर लगा रखे हैं अलग से रंग बिरंगे टाइप के, उन प्लेटों को हटाया जा रहा है। तो कितनी पेनल्टी इनसे वसूली जा रही है? 500 पर प्लेट पे। और जो प्रदूषित जो वाहन है उन पर कितना वसूली जा रहा है? 3000 रुपये जुर्माना लगता है। आज ग्वालियर के छात्रों को M1 मंच प्रदान करने के लिए कैरियर विस्तार द्वारा MBA फेस्ट का आयोजन किया गया। इस फेस्ट में दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु के MBA कॉलेज के छात्र आए और उन्होंने अपने कोर्सेज और प्लेसमेंट्स के संबंध में जानकारी छात्रों के साथ साझा की। इस फेस्ट के माध्यम से छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई शहरों में स्थित कई स्थानों की जानकारी एक साथ मिल गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाराज संत कृपाल सिंह जी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने आशीर्वाद वचनों से कार्यक्रम की शुरुआत की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व उपकुलपित जीवाजी विश्वविद्यालय प्रोफेसर बिसेन उपस्थित रहे, जिन्होंने छात्रों को बताया कि केवल डिग्री से नौकरी नहीं मिलती, अपने अंदर की स्किल होना चाहिए, इसलिए स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन गजेंद्र इंगल द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में माध्यम से ग्वालियर के छात्रों को विभिन्न कॉलेजों की सही जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम से छात्रों के समय और पैसों की भी बचत हुई है। कार्यक्रम में 17 छात्रों ने अलग अलग कॉलेजों में प्रवेश किया, प्रवेश करने की पूरी प्रक्रिया पूर्ण की। सेमिनार रखा गया है, उसमें क्या छात्रों के लिए विशेष आपके द्वारा दिए जाए कि एजुकेशन एडमिशन से लेकर संबंधित क्या जानकारी देंगे? देखिए, आज के टाइम पे एजुकेशन क्या है कि इट्स ऑल अबाउट स्किल्स, प्लेसमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आज के टाइम पे जो लर्न कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसका क्या यूज़ है? तो मोस्टली क्या है कि सिलेबस में, यूनिवर्सिटीज़ में, एवरीवेयर यू विल सी, ना कि वहाँ का जो सिलेबस होता है वो आउटडेटेड होता है। उसके क्या है कि स्टूडेंट्स उन्होंने स्टडी कर लिया बट एक्चुअली प्लेसमेंट नहीं मिल पाई, करियर ओरिएंटेड कुछ नहीं। मैंने पीपल सर से ना कि पढ़ने के बाद भाई पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, जॉब नहीं मिलती है, तो क्या यूज है, क्या मतलब है? तो दैट्स जो डिस्कनेक्ट है इंडस्ट्री में जॉब के लिए लेके और जो स्टडी मटेरियल, तो वो डिस्कनेक्ट, मतलब उसको जो है मैच करना, उसको लिंक करना बहुत ज़रूरी होता है। हालाँकि मैं बता दूँ, आई एम फ्रॉम सलस्टोन यूनिवर्सिटी। सलस्टोन क्या है कि जो PGDM मैनेजमेंट एस्पायरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए एक जो प्लेसमेंट का है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैनेजमेंट, तो वो बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए, जो एवरेज बच्चे हैं, जो पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन देता है। कि पहले आप क्या होते हो कि पढ़ते हो, लर्न कर, Thank you.